MS Dhoni, the untold story. Yes, good morning and welcome back to my new vlog. तो अभी का दिन ऐसा है, मैं आया हूँ संभाजीनगर. हाँ, कल रात में आया था, तो संभाजीनगर आया था और मेरे साथ है अभी इलू. अमर अमर नाम है इसका, हर्ष का भाई. तो अभी हम जा रहे हैं, बीविका मकबरा जा रहे, तो वहां पे जाते और अच्छे अच्छे फुटेज निकालते. हम यहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पे? बीबी का मकबरा, कॉपी ऑफ ताजमहल. कॉपी बोलेंगे ना इसको? कॉपी, हाँ कॉपी बोलेंगे. ये देखिए, यहाँ से अभी एंट्री करनी है हमें और अब पहले टिकट निकालेंगे. पर पर्सन 25 रुपीज़ टिकट है यहाँ से अंदर जाने के लिए. तो यहाँ से एक रूट है अंदर जाने के लिए और यहाँ पे टिकट काउंटर है. इलू जा रहे हो टिकट निकालने के लिए? तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. फॉरेनर के लिए ज़्यादा प्राइस है और इंडियंस के लिए कम ही है. हम भी अंदर टिकट निकल के अंदर जाते हैं. टिकट निकाल सकते हो ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन निकालने के बाद आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं. अभी हमने ऑनलाइन ही निकाला क्योंकि हमारे पास कोई कैश नहीं थी. तो चलो अभी एंट्री करते, कैसा टिकट आता है मैं बता दूँगा आपको. तो अभी हमने यहाँ पर एंट्री कर दी अंदर. यहाँ पर पहुँचने के बाद स्कैन होगा एक, और आप देख रहे हो सामने मकबरा. ये सेम, मतलब सेम ये देखिए, कैमरा टिकट 25 रुपीज़ है बट अपने पास कोई कैमरा नहीं. सो इस तरह से हम मकबरे के अंदर आ गए और थोड़ा आगे जाएंगे. यहाँ पे जब मैं कॉलेज में था और आते थे, अभी शायद यहाँ पे पानी नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे पानी रहता था और लोटस के फूल भी रहते थे. ये देख सकते हो आप बीबी का मकबरा. यहाँ पे भी पानी रहता था, पता नहीं अभी इस टाइम पे क्यों नहीं है. ये देखिए, स्प्रिंकल रहते थे यहाँ पे, होंगे शायद बंद किए होंगे. तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसकी हिस्ट्री भी मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी इतनी पता नहीं है बट जितना पढ़ा है मैंने उसका बता देता हूँ. तो ये है एंट्रांस. गूगल पे भी है और बहुत जगह पे लिखा भी यहाँ पे. ये जो है इतिहास में किसने बनवाया था, तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने ये अपने माँ की याद में, दिलरस बानो बेगम उनकी याद में ये बनाया था. ये सेम कॉपी है ताजमहल की. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे काम चल रहा है. और ताजमहल देखोगे आप तो ताजमहल पूरा वाइट है, वाइट. अभी ये थोड़ा सा ब्लैक पड़ गया है, मतलब काला काला हो रहा है. ये देखिए यहाँ पे पोल लगा है, मतलब कुछ ना कुछ रिबिल्ड हो रहा है. तो अभी हम आ गए अंदर, यहाँ से ऊपर जाएंगे. देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर तक है, देखते आगे और क्या क्या बना है. तो अभी हम ऊपर आ गए और ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है. देखो, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ से फिर यहाँ से ऊपर आए, तो नीचे का नज़ारा आप देख लो यहाँ से. और यहाँ पे फॉरेनर को 300 रुपये टिकट है और इंडियंस को 25 रुपीज़ अडल्ट को. तो यहाँ पे कुछ बंदे भी बैठे चिल करते हुए. तो ऐसा नज़ारा है यहाँ पे ऊपर से. उसकी पूरी अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा.
अभी हम यहाँ पे अंदर एंट्री करेंगे, देखते हैं अंदर क्या है। अभी वहाँ से बाहर निकले और यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो पढ़ते क्या लिखा है उस पर। बट वहाँ से जाने से पहले ये घूमट देखते हैं। अभी हम मकबरे के बैक साइड पे, जहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा गार्डन है, तो वहाँ पे देखते क्या है, वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे शायद वो और वो एक ही है। तो पहले नीचे जाते, देखते नीचे कहाँ से जाना है। यहाँ से भी नीचे जाते हैं बट उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए काम चल रहा है। पता नहीं यार, मैं 2 साल पहले आया था फिर भी वैसे के वैसे खड़ा था, कब काम चलेगा कब खत्म होगा आई डोंट नो। तो हाँ ये देखिए यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। चलो हिलो जाएगा, अभी देखते कितने स्टेयर्स है, स्टेयर्स कितने स्टेयर्स नीचे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ये देखिए यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आगे है, क्या है आगे, गार्डन। हाँ देखो साइलेंट प्लेस, सच में ऊपर जितना आवाज आ रहा है ना नीचे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आज बहुत सारे, मतलब जिन जिन की जो स्कूल के बच्चों की पिकनिक निकली है वो भी बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ पे ना कुछ तो रखा था, क्या ये लोग कुछ आइडिया है वहाँ पे लास्ट में क्या रखा है, जाए वहाँ पे। चलो जाते वहाँ पे, जाते ना देखते वो कौन सा कुआ है। मतलब ये दिखता ताजमहल जैसा है बट ताजमहल नहीं है, अगर मत बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको आना है वो आ सकते हो यहाँ पे। कैसे आना है, संभाजी नगर नाम है उसका, पहले उसको औरंगाबाद बोलते थे। ये 6-7 घंटे की दूरी पर है, मैक्सिमम 9 घंटे की दूरी पर है और इससे मुंबई से और पुणे से 6। तो देखते हैं वहाँ पे क्या है अभी। अरे ये तो वही है, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे फोटो खींचे थे, हम चारों आए थे, हर्ष में सुनल और तुम, हम चारों आए थे वहाँ पे, हमने फोटो खींचे थे। तो क्या है ना, जैसे कि लिखा है विकिपीडिया पे लिखा है कि आप यहाँ पे गर्मी के मौसम में मत आओ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मुझे ऐसा लगा था क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 साल गुजारे थे, मैंने देखा पढ़ा और बोला कुछ भी लिखा है, बट अभी गर्मी का मौसम भी नहीं है और अभी क्या सिर्फ 9:30 बजे, फिर भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। शायद टैन होने वाला हूँ, मैं पहले से ही काला हूँ और काला होने वाला, कुछ नहीं है भैया यहाँ पे। शायद मुझे लगा था यहाँ पे लोटस वेटस होगा बट कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो चलो अभी ये ऐसा ही सेम वहाँ पे और वहाँ पे भी है, तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे देखते क्या है अगर कुछ। हाँ बट एक चीज़ सही है, यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है, देखिए वहाँ पे आम के पेड़, वहाँ पे आम के पेड़, ये आम का पेड़, वो आम का पेड़, और ये कौन सा है भाई, आ जाओ, नींबू का है या फिर मौसम्बी का है, नींबू का है आपका फेवरेट। नींबू सही
सच में नींबू है? एक भी नींबू नहीं लगा इसको। नहीं नींबू नहीं, चलो कुछ कोई तो होगा। कड़ू नींबू, नींबू ऑरेंज, ऑरेंज भी आई डोंट थिंक सो। तो ये गार्डन है पूरा यहाँ पे, अगर सच में आना है आपको आओ, चिल करो और निकल जाओ। औरंगाबाद में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है घूमने के लिए जो आप घूम सकते हो। देखो तुम्हारी yes. तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए वहां पे, देखते हैं क्या है आगे जाकर। ये तो बोल रहा है लाइब्रेरी है यार, मैं गया हूँ और मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली वो है क्या। इनके बुक्स होती, देखते ना क्या है, देखते हैं वहाँ पे जाकर। तो एक खास चीज मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जाने दो। आप में से बहुत लोगों ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ये मूवी देखी होगी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है। तो उसकी शूटिंग जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का किरदार निभाया था, वाह क्या हिंदी मेरी, धोनी का किरदार निभाया था बोले, क्या बात है। तो यहाँ पे वो शूटिंग हुई थी संभाजीनगर में, और यहाँ पे वो बैठे थे, यहाँ पे कहीं तो बैठे होंगे, यहीं पे बैठे हैं बट। और बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि वो ताजमहल पे हुई थी, तो वो ताजमहल पे नहीं हुई थी, जो धोनी की वाइफ है साक्षी वो यहाँ पे पढ़ने के लिए थी। कौन सा वाला कहरा आडवाणी नहीं थी रे भाई, अरे साक्षी अरे हाँ जो असली नाम साक्षी है। केआर आडवाणी ने साक्षी का ये किया है, रोल का किरदार अदा किया है, रोल का किरदार अदा किया है। तो वहीं पे मतलब यहाँ पे शूट, वो यहाँ पे पढ़ती थी साक्षी, क्या होटल मैनेजमेंट ही करते हैं। और ये नज़दीकी एमजीएम में किए थे। तो देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम भी पिक्चर बनाएंगे इलू द अनटोल्ड स्टोरी। यहाँ पे अब क्या इंफॉर्मेशन ऑन टॉम ब्रोबिया डॉरोनी बीबी का मकबरा, हाँ शायद, हाँ ऐसे बैठे थे आप वो शायद ना, वो म्यूजिक में है ना, सॉन्ग में कोई तो ये सॉन्ग में राइट, धोनी और ये दोनों ऐसे बैठे थे। और यहाँ पे देखो इस बार कोड को आप स्कैन करोगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ के अंदर का तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है अंदर? I think so. नहीं यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे उन्होंने सब पैक कर दिया। यहाँ देखिए कांच फूट गई है, कुछ दिख रहा है? नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो चलो आगे देखो, कहीं तो बैठे होंगे यार। ये देखो यहाँ पे ये भी सेम है, वो भी सेम है, ये वाला और ये वाला दिख रहा है कुछ तो दिखने दो भाई साहब, क्या है? हाँ क्या है? कुछ तो रखा है ना टेबल कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो कुछ दिखा तुझे? सच में बताओ कुछ दिखा? यहाँ पे पानी पता नहीं क्यों बंद कर दिया। चलो नहीं मत जाओ, पानी नहीं है बट ऐसे मस्ती नहीं किया करते कहीं पे भी। चलो तो इसके अच्छे से साफ सफाई तो रखी है, और धूप बहुत ज्यादा है यार ये, मतलब अगर चिल करना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे, पेड़ गार्डन बहुत सही है। शांत बैठो, मतलब शांति से बैठो, शांत बैठो। टैन हो जाएगा ना भैया, टैन तो मैं अभी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हो गया, मैं तो धूप देर के लिए मुंह पे आ रही तो अभी क्या प्लान है? अभी कुछ नहीं, फोटोज वगैरह निकाल दे थंबनेल के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, कर दो ना, लाइक तो करेंगे वो अपने लोग, लाइक तो करेंगे। हाथ थक गया मेरा ना, हाँ मुझे पकड़ दे। चलो फिर क्या बोल रहे हो अब क्या करना है वो बताओ। अभी फोटो निकालना है, फिर और दूसरे व्लॉग डालेंगे कल कुछ खाना है तुझे? खाना तो नहीं जाते खाएंगे। चलो फिर देखते खाना है या नहीं। इधर फोटो नहीं यार अपन मतलब फोटो, अच्छा तुझे निकालना है
पिछले बार के फोटो वैसे के वैसे ही तेरे अभी तक। हाँ, तो गाइस ऐसा है, देखो अभी बहुत सारा क्राउड हुआ है क्योंकि स्कूल की पिकनिक आई है और वो हमारे सामने ही थे टिकट निकालने में, निकालने के लिए। अपना तो हो गया, व्लॉग भी अच्छे से शूट हुआ है, पता नहीं हुआ कि नहीं, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कैसा हुआ, बता दो। चलो अभी जाते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज निकाल दे, इस भाई साहब को डालने इंस्टा पे। सो गाइस अभी ये देख लिया है पूरा, अभी हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा धूप लग रही है यहाँ पे। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक कर देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि क्या है ना, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने में और कुछ सीखने में, मतलब कुछ गलतियां हो रही होगी तो मैं सीख जाऊंगा और सुधार करूंगा उसमें। सो चलो अभी हम निकल रहे हैं, ये अपना एग्जिट, इससे यही एंट्रेंस, एंट्रेंस लेफ्ट साइड से एग्जिट, एग्जिट नहीं भाई, एग्जिट 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 एग्जिट, चलो बाय।